इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है। इंडिया वॉइस में सेमीफाइनल पर नजरें टिकाए बैठा भारत गुरुवार को यहां आयरलैंड के खिलाफ होने वाले आईसीसी महिला विश्व टी20 के रूप में लीग मैच में जीत के प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा। भारतीय टीम अच्छी लय में चल रही है और पहले दो मैचों में आसान जीत दर्ज कर चुकी है, जिसमें चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ दो दिन पहले हासिल जीत भी शामिल है। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रोविडेंस में पहले मैच में शतक के साथ टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया और अब इसी मैदान पर भारत को आयरलैंड से भिड़ना है। दूसरी तरफ आयरलैंड को ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। भारत आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगा, लेकिन हरमनप्रीत को पता है कि उनकी टीम इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में किसी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में नहीं ले सकती। आयरलैंड की टीम को उसके जुझारूपन के लिए जाना जाता है और भारत उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इससे उसकी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की संभावनाओं को झटका लगा सकता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की स्टार जहां हरमनप्रीत रही, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट की जीत के दौरान टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी मिताली राज ने अर्धशतक जड़ा। जेमिमा रोड्रिगेज ने अपने टी20 करियर का आगाज शानदार अर्धशतक के साथ किया। स्मृति मंधाना और वेरा कृष्ण मूर्ति आयरलैंड के खिलाफ बड़ी पारियां खेलना चाहेंगी। गेंदबाजी विभाग में ऑफ स्पिनर दयालन हेमर और लेग स्पिनर पूनम यादव ने अब तक 10 विकेट चटकाकर शानदार प्रदर्शन किया है। टीम की तेज गेंदबाज भी आगामी मैचों में अपना प्रभाव छोड़ना चाहेंगी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।